जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड, जो भी युवा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिनके यहाँ पे भर्तियाँ आ गई है और जिनका अभी फिजिकल होने वाला है, वो लोग आज जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ इसको बिल्कुल जहन में बैठा लें। हमें मैं याद रखें कि मैं यूट्यूबर तो नया नया हूँ, यूट्यूब तो एक केवल पार्ट टाइम इंजॉय के लिए है मेरा, लेकिन आपके साथ में मैं अपनी जो जिंदगी है, जो हमारी जो हम लोग सुबह डेली मॉर्निंग रूटीन में पीटी दौड़ते थे या फिजिकल एक्टिविटी करते थे, तो हम लोग क्या लेते थे और क्या नहीं, वो चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपको मैं बात बताऊँगा, अगर आप सिर्फ इतना ही कर लें तो आप देखना कि आपके फिजिकल स्तर में बहुत सुधार होगा। सबसे पहले फिट रहने के लिए जरूरी है आपका फिजिकल के साथ में मेंटली फिट रहना। सबसे पहले अनावश्यक जो चीज़ें आपको परेशान करती है, कुछ चीज़ों के लिए उनसे दूर रहें। सिर्फ आप एक ही टारगेट रखें कि आपने कैसे इंडियन आर्मी की ड्रेस हासिल करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका मॉर्निंग शेड्यूल, कि आपको सुबह उठते ही क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने उठते ही एक लीटर पूरा गर्म पानी पीना है। गर्म पानी का मतलब होता है कि गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल ही गुनगुना नहीं, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि गुनगुना और गर्म के बीच का। तो आपने एक लीटर पूरा गर्म पानी पीना है। कोशिश करो कि आप उसको नींबू के साथ में पिएं। नींबू से क्या होता है, नींबू क्या करता है, आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाइड कर देता है, आपके शरीर की पूरी गंदगी वो बाहर करता है। साथ ही जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको क्या है, वेट लूज करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। या जिनका अगर वेट कम है तो वो नींबू न डालें उसमें, सिर्फ आप गर्म पानी पी लें। हो सके तो आप तुलसी के एक दो पत्ते उसमें डाल के पी सकते हैं। अगर आपने रात भर पानी, एक लीटर पानी जग में रखा है, उसमें तीन चार तुलसी के पत्ते रख दें, सुबह उसी पानी को गर्म करें पिएं, तो आपको शरीर में श्वास की जो प्रॉब्लम है फूलने वाली, या आपका पेट साफ रहने न रहने वाली, तो इन चीज़ों से भी आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप एक लीटर पानी पी लेते हो तो उसके बाद में आपको रनिंग से पहले हमेशा कुछ ना कुछ अंकुरित चीज़ें खानी है। अंकुरित से मतलब है कि आप हरे मूंग की दाल जो अंकुरित होती है वो खा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, हल्की मात्रा में। या आप चने, जब चने आप भिगाएं, भिगाने के तीसरे दिन के बाद जब उनमें कलियां आती है तो उन चनों को खाएं। चनों के मामले में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि चने खाने के बाद में वर्जिश पक्का करनी है। अगर आप चने खाने के बाद में वर्जिश नहीं करोगे तो यह आपके पेट में कब्ज की भी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो चने से क्या होता है, आपके बॉडी में एक अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। आप देखना, जो आपकी जो सांस सांस वाली जो प्रॉब्लम होती है फूलने वाली, अगर आप कंटिन्यू अगर आप चने खाएंगे अंकुरित, या अंकुरित आप दालें खाएंगे, साथ ही अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम, स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। दौड़ने से पहले हमेशा, जब भी आप, जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दौड़ने से पहले हमेशा जब भी दौड़ें तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जरूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी के पार्ट्स खुलेंगे, आपकी नसों में जकड़न नहीं आएगी। और जब दौड़ें तो पहले हल्की हल्की दौड़ स्टार्ट करें, उसके बाद दौड़ना शुरू करें, शुरुआत में ऐसा ही। फिर उसके बाद कुछ दिनों का जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप मॉर्निंग में टाइमिंग के साथ में दौड़ें। अगर आपका 1600 मीटर की अगर आपने तैयारी करनी है तो आप 1800 मीटर का रन करें, या आप 2000 मीटर का भी रन कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि आप 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ने की आदत डालें, इससे उस दिन जिस दिन आपकी फाइनल प्रैक्टिस होगी उस दिन आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही वीकली 1 या 2 दिन बिल्कुल निश्चित पैमाने में 1600 मीटर का आप एक एरिया नाप लें और उसमें आप बिल्कुल दौड़ें। और कोशिश करें अगर आपके यार दोस्त लोग हैं तो उनके साथ में ग्रुपिंग में दौड़ने की, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप लोग दौड़ोगे उस दिन कम से कम 200-250 का बैच बनता है। तो यानी कि उस भीड़ से निकलने की भी आपको टेक्निक सीखनी है कि मैं उस भीड़ से कैसे निकलूं, उसके लिए भी आपको टिप्स, मैं आपको एक अपनी जानकारी बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग अधिकतर यही बोलते हैं कि शुरुआत में स्प्रिंट नहीं खींचनी है, लेकिन मैं बोलता हूं आपसे, अगर आपका नंबर पीछे पड़ता है तो शुरुआती 200 या 300 मीटर तक आप स्प्रिंट खींचेंगे भी, अगर आपकी निरंतर प्रैक्टिस है तो भी आप दौड़ को पार कर लेंगे। और 1600 मीटर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रनअप नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आपकी कहीं 5 किलोमीटर करना है। 1600 मीटर सिर्फ 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट 30 सेकेंड का खेल है। अगर उस 30 सेकेंड अगर आप स्प्रिंट मार सकते हो और भीड़ से अलग हो सकते हो, या उस पूरे भगदड़ से अगर आप बाहर निकल सकते हो, तो यकीनन ये आपको फिट रहने के लिए और ये आपको दौड़ में एक्सीलेंट दिलवाने के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है।
फ्रेंड्स, अगर आप मॉर्निंग में 1600, 1800 या 2000 मीटर अगर आप रनिंग करते हैं तो शाम के टाइम पे तो थोड़ा सा और लंबा कीजिए। अगर आप सुबह 1600, 1800, 2000 करते हैं तो शाम के टाइम पे तकरीबन 5 किलोमीटर कीजिए। उस 5 किलोमीटर में आपको सिर्फ यह करना है कि बस अपनी एक बॉडी को रिदम में रखना है हमेशा, और आने के बाद में आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज जो आजकल मैं देखता हूँ वीडियो के माध्यम से कि 8-10 टायर बांध के दौड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। नहीं, आप मैं आपको जिम की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस टाइम ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, जब भर्ती आ जाती है या आप लोगों के यहाँ एक महीने में भर्ती होने वाली हो, तो किसी भी प्रकार के इस टाइप की एक्सरसाइज से बचें। कहीं ऐसा ना हो कि मेन दिन आपकी नसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप दौड़ ही ना सको। तो इसलिए अभी जो है टाइम होता है, आपने इसमें सिर्फ आपका टारगेट एक ही है, आपके नंबर सिर्फ दो इवेंट के मिलेंगे, यानी कि फिजिकल के, जिसमें कि आपकी 1600 मीटर रन और 10 पुलअप से। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप 10 पुलअप, अब ये तो हो गया रनिंग का शेड्यूल। अब आपको दौड़ना कैसे है, आपको कोशिश करनी है शुरुआत। अगर जिनके यहाँ एक महीना बचा है अब तो उनको इनके लिए ये वाले टिप्स नहीं है, क्योंकि एक महीना बचा है आप मेरी टेक्निक से दौड़ोगे तो नहीं दौड़ पाओगे। हाँ, आपके यहाँ अगर भर्तियाँ आई नहीं है या 2-3 महीने बाद आने वाली है तो आप लोग ये कर सकते हो कि शुरुआत में पंजों से दौड़ने की आदत बनाएं। पंजों से दौड़ने की आदत बनाओगे तो क्या होता है, जैसे आप पंजों से दौड़ने की आदत बनाओगे और हाथों का अगर पूरा स्विमिंग दोगे ना, तो देखना जब आप पंजों से ऐसे जाओगे तो आपकी बॉडी को एक ऑटोमेटिक फोर्स मिलता है। शुरुआत में पैर दर्द होता है, लेकिन कंटिन्यू यही चीज़ करोगे तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्लैट दौड़ने से क्या होता है, जब आप फ्लैट दौड़ते हो, देखो जमीन में ऐसे पाँव हमारे टकराते हैं, तो पैर टकराने से जब पूरा फुल फ्लैट पड़ता है तो यकीनन बॉडी वेट में भी फर्क पड़ जाता है, और जो उसके पैरों की आवाज़ होती है ना, उसका कनेक्शन माइंड से होता है। आप जब ऐसे फत 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 करोगे ना, आदमी को थोड़ा वैसे ही थकान और हो जाती है। तो अगर आप कोई भी आप आर्मी के जो पुराने हमारे भूतपूर्व सैनिक लोग हैं या जो अभी ऑन सर्विस हैं, उनसे पूछना, हमेशा फौज में हमें यही चीज़ सिखाया जाता है कि पंजों के बल दौड़ना है। अगर आप पंजों के बल दौड़ने वाले धावक बनोगे तो जरूर लंबी रूस के घोड़े बनोगे। फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप रनिंग कर लेते हो तो जब आप रनिंग शुरुआत करते हो तो उससे पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी बॉडी में गर्माहट हो और दौड़ने वक्त आपकी नसों में प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार दौड़ से आने के बाद में एक्सरसाइज से ही कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करें। मैंने रनिंग टिप्स की पूरी वीडियो बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि आपको रनिंग कैसे करनी है। मैंने उसमें हल्का हल्का बताया, सिर्फ आप यही स्टेप फॉलो करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोगों को फिजिकल में भी मदद मिलेगी। और जिनसे पुलअप नहीं होते हैं तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग ये आई बटन में जाकर देख लेना। उनको 2-3 एक्सरसाइज करनी है, और यहाँ एक्सरसाइज में खुद करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हम कर रहे हैं, तो आप लोगों को वैसे ही करना है। तो रनिंग टिप्स की भी, हाइट इंक्रीज की भी, नॉक नी प्रॉब्लम की भी मैंने खुद वीडियो बनाई है, आप लोग देख लेना। आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जिनके यहाँ भर्ती आ गई है उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक, जिनके यहाँ भर्ती नहीं आई है वो लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार भर्तियों के नोटिफिकेशन आते ही जा रहे हैं। आज इस स्टेट की भर्ती, तो अभी जैसे फार्मा की जो सिपाही डी फार्मा की वैकेंसी भी बहुत सारे स्टेट में आ चुकी है, उसी प्रकार अभी जो जीडी की भर्ती, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल की भर्ती नॉर्थ ईस्ट में भी आ गई है और भारत के कई राज्यों में चल रही है। तो जिनके यहाँ नहीं आई है वो भी निराश ना हो, अपनी मेहनत करें, अपने फिजिकल के साथ में हल्का पढ़ाई की ओर भी पक्का ध्यान दें, क्योंकि जैसे टेक्निकल ट्रेड हो गया, नर्सिंग स्टैंड हो गया, सिपाही फार्मा हो गया, इन 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 लोगों के लिए फिजिकल तो है ही है, फिजिकल से ज़्यादा मायने इनके रिटर्न में होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर फिजिकल के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो इन लोगों का मेन जो मेरिट बनता है वो रिटर्न के आधार पर ही बनता है। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारियों को और शानदार करें और उसको शार्प करें, और जो मैंने आपको टिप्स बता दिया है इन चीज़ों को अमल करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। याद रखना, दौड़ने वक्त वही थकता है जिसके गले में तरावट खत्म हो जाती है। तो अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी तो गले में तरलता हमेशा बनी रहेगी। आप खुद ही महसूस करना, जब आप हाँफते हो तो एक बार खुद महसूस करना कि आपका गला पूरा सूखा हुआ होगा। अगर भरपूर मात्रा में पानी पियोगे तो गले में हमेशा तरावट रहेगी, आपको जो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चीज़ के लिए थोड़ा योगा भी करें, प्राणायाम करें, नाक से लंबी सांस अंदर लें और कुछ देर होल्ड करने के बाद में उसको धीरे धीरे से इसको बस बाहर निकालें। अब उसी प्रकार एक बार यहाँ से लें, फिर यहाँ से निकालें,
थोड़ा सा योगा भी जरूरी है, जिसकी सांसें जल्दी फूल जाती है, सांसों में कंट्रोल के लिए योगा भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।